जब सांसें भरती हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज निहारिका और मैं वॉइस ऑफ एडमिंटन सीजन 2 की फाइनलिस्ट हूँ। वॉइस ऑफ एडमिंटन सीजन 2 का फिनाले 27 जुलाई अक्का सेंटर में 12 बजे होने जा रहा है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ आए, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं और हमें ज्वाइन कीजिए फॉर अ गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। हम सब ने यहाँ बहुत मेहनत करी है, तो आप लोग प्लीज़ आइए और हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। हम वी वुड बी रियली अप्रिशिएटेड। नमस्कार, मेरा नाम रश्मि शर्मा है, मैं निहारिका की मम्मी हूँ। सबसे पहले तो मैं प्राणदीप का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने लोकल टैलेंट के लिए इतना बड़ा हमको प्लेटफॉर्म दिया। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, मैं निहारिका का पापा हूँ। निहारिका ने इस कॉम्पिटिशन के लिए वॉइस ऑफ एडमिंटन सीजन 2 के लिए बहुत मेहनत करी है और अभी फाइनल में है और हम लोग ये चाहते हैं कि आप वहाँ, सब लोग वहाँ आएँ और उसको सपोर्ट करें। तो जुलाई 27 12 बजे अक्का सेंटर में ये प्रोग्राम होने जा रहा फाइनल, तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वहाँ आएँ और हम सबको सपोर्ट करें, निहारिका का सपोर्ट करें। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अरुण शर्मा है, मैं निहारिका का हस्बैंड हूँ। हम लोग 3 साल हो गए हमें लगभग शादी किए और उससे पहले कई साल से हम लोग जानते हैं एक दूसरे को। तो एक बात जो हमेशा से इसके दिमाग में और इसका पैशन रहा है वो है सिंगिंग, और हमेशा से ही इसको पसंद थी। कभी इसने फॉर्मल ट्रेनिंग ली नहीं, लेकिन भजन करती है घर पे, फ्रेंड्स के बीच में, फैमिली के बीच में, और गुरुजी हैं एक उनके साथ। तो इस तरह से मैंने देखा कि ये धीरे 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 उस तरफ इन्होंने शुरू किया है। वॉइस ऑफ एडमिंटन ने एक बहुत अच्छा मौका दिया है इन्हें अपने टैलेंट को बाहर निकालने का। एक्चुअली सारे लोकल टैलेंट्स को इन्होंने दिया है एक ऑप्शन, क्योंकि दूसरे देश में आके गाना और सीखना ये सब यूजुअली लोग नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं और पैशन वहीं अधूरा रह जाता है। वॉइस ऑफ एडमिंटन ने बहुत अच्छा एक मौका दिया है इन लोगों को अपना पैशन कंटिन्यू करने का, एक नया स्पार्क दिया है ताकि अब ये भी और ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं गाने में, सिंगिंग में और सीखने में। अब जैसे ये धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे, ये भी सीखने की तरफ बढ़ रहे हैं आगे और हो सकता है आगे भविष्य में और कुछ करें सिंगिंग में। आज जाने की जिद ना करूं, आज जाने की